हेलो स्टूडेंट्स आज हम मैथ का सेकंड चैप्टर करने जा रहे हैं और इसमें आज हम करेंगे व्हाट इज़ वंस एंड व्हाट इज़ टंस इकाई और दहाई क्या होती है तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे लेट अस रिवाइज वंस अगेन अबाउट टेंस एंड वंस पिछली कक्षा में आप, टीचर ने आपको थोड़ा बहुत तो बताया होगा कि वंज क्या होता है वंज को हिंदी में इकाई बोलते हैं और टेंज को दहाई दहाई का मतलब दस चीज़ें दस चीज़ों का एक बंडल और वंज का मतलब एक ही चीज़ अलग से तो कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो लिखी हुई हैं इकाई और दहाई के बारे में वंज और टेंज के बारे में वो यहाँ पर हम पढ़ते हैं जीरो टू नाइन आर सिंगल डिजिट नंबर्स आपने जो काउंटिंग पढ़ी थी पीछे पिछली क्लास में उसमें ज़ीरो से नौ तक की जो गिनती होती है वो सिंगल डिजिट की होती हैं वो एक ही अंक की होती हैं वो केवल एक ही स्थान लेते हैं लिखने के लिए दो जगह नहीं लेती इस तो ये बात आपने याद रखनी है ज़ीरो से लेकर के नौ तक सारी संख्याएं सिंगल डिजिट में ही आती हैं और वो सारी वंज ही होती हैं और वंज के कॉलम के नीचे ही लिखी जाती हैं और उनको लिखने के लिए भी केवल एक ही स्थान चाहिए वो एक स्थान पर लिखी जाती हैं इसलिए उनको वंज कहा जाता है जीरो से लेकर के नौ तक और नौ के आगे दस काउंटिंग स्टार्ट होती है दस से निन्यानवे तक टेन टू नाइन्टी नाइन ये सब दो डिजिट की संख्याएं हैं टू डिजिट नंबर्स दो अंकों की संख्याएं हैं तो इनको लिखने के लिए दो स्थान चाहिए एक इकाई का अंक आएक के कॉलम में लिखा जाएगा और एक, एक दहाई के कॉलम में लिखा जाएगा तो इकाई के अंक के नीचे लिखा जाएगा वो इकाई का अंक कहलाएगा और जो दहाई वाले के नीचे लिखा जाएगा वो दहाई का अंक दहाई का मतलब होता है दस तो जो दहाई के नीचे लिखा जाता है मान लिया दहाई के नीचे आपने सेवन लिखा सात लिखा तो आपने ये नहीं समझना कि वो उसकी वैल्यू सात है आपने समझना है सेवन इंटू टंज सात में दस सत्तर तो उस सेवन की वैल्यू सत्तर होगी ना कि सात अगर पाँच लिखा हुआ है टन्ज के नीचे तो उसकी वैल्यू पाँच नहीं होगी पाँच गुणाम दस अर्थात पचास फिफ्टी पचास के बराबर होगी लेकिन इकाई वाले अंक के नीचे जो अंक होगा उसकी वैल्यू तो उतनी ही होगी जितना जो अंक लिखा हुआ है उतनी ही तीन लिखा हुआ है तो उसकी वैल्यू तीन होगी एक लिखा हुआ है तो उसकी वैल्यू एक होगी और सात लिखा हुआ तो उसकी वैल्यू सात हो सात होगी लेकिन टेन जो वाले में क्या करना हमने उस अंक को टेन से मल्टीप्लाई कर देना है गुणा कर देना है तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है अभी कुछ नीचे बॉल का उदाहरण दे करके समझाया गया है जैसे ये देखिए ये बॉल हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन कितनी बॉल हैं ये टेन दस बॉल हैं ये तो हम कोई पूछे तो कितनी बॉल हैं क्या बताएंगे दस बॉल हैं अब इन दस बॉल को हमने इस बॉक्स में बंद कर दिया तो अब हम इनको दस बॉक्स नहीं कहेंगे दस बॉल नहीं कहेंगे क्या कहेंगे एक बॉक्स कहेंगे वन टन दस बॉलों वाला एक बक्सा ले आओ भाई तो इसको हम दस बॉल ले आओ ये नहीं कहेंगे हम ये कहेंगे एक बॉक्स दे दो भाई बॉल वाला तो एक बॉक्स में टन होती हैं तो वो एक टन हो गया एक दहाई हो गई। अब अगली बॉल काउंट करें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर ये चौदह हैं तो चौदह अलग अलग हैं तब तो हम क्या कहेंगे कि ये चौदह बॉल हैं लेकिन चौदह में से हम दस बॉल एक बॉस बॉक्स में इकट्ठी कर दी और चार अलग रख दी तो अब हम चौदह नहीं कहेंगे इनको इनको क्या कहेंगे इनको ये कहेंगे वन टन एक दहाई एक बॉक्स और चार खुली एक तो बॉक्स है और चार खुली हैं तो बॉक्स का मतलब दहाई तो इस प्रकार जब कोई भी दस चीज़ें किसी एक जगह पर एक बंडल में एक बॉक्स में एक थैली में एक कार्टून में बंद कर दी जाती हैं तो वो एक दहाई एक कार्टून हो जाता है उनका दहाई का दस का नहीं कि वो दस चीज़ें रहती हैं वैसे उनकी उनके अंदर संख्या दस होती है लेकिन उसको बोलेंगे हम एक कार्टून एक बॉक्स अब अगली काउंट करते हैं इनको काउंट करेंगे ये हैं बीस बॉल अलग अलग हैं तो ये बीस लेकिन इन बीस को हमने दस को इस बॉक्स में और दस को इस बॉक्स में पैक कर दिया तो अब हमारे पास बीस बॉल नहीं बची अब कोई कहेगा वो बीस बॉल है वो ले आओ भाई ऐसे नहीं कहेंगे क्या कहेंगे वो दो बॉक्स रखें भाई वो ले आओ दो बॉक्स ले आओ बीस बॉल नहीं अब क्या कहेंगे दो बॉक्स ले आओ बॉल वाले दो नौ बॉक्स ले आओ दो कहेंगे तो ये दो दहाई होगी यहाँ पर दो दहाई का मतलब दो गुणा में दस बीस बॉल हो गई टू इंटू टेन इज इक्वल टू ट्वेंटी तो कुछ आपको ये समझ में आया होगा आई होप अब हम अगले पेज के ऊपर थोड़ा और समझेंगे टू ये चैप्टर नंबर थ्री टू डिजिट नंबर्स ऑन अबेकस अबेकस एक ऐसी ऐसा मेथड होता है ऐसी पद्धति होती है जिनको जिसके माध्यम से हम मैथ की जो सम्स होती हैं जो एडिशन सब्सट्रैक्शन होता है काउंट मल्टीप्लिकेशन होता है वो सब हम स्पीड से कर सकते हैं तो एक बार वंस और टेंस को आप इस उदाहरण से और समझिए जैसे ये एक तार है इस तार में तीन बॉल डाले वन टू थ्री इधर वाले में वन टू थ्री फोर फाइव तो इधर इसमें तीन हैं तो ये बॉल केवल तीन है लेकिन इधर पांच बॉल डली हुई हैं तो ये पांच बॉल नहीं हैं ये कितनी है ये टेन वाले उसमें हैं ये पाँच नहीं हैं ये फाइव इंटू टेन पाँच गुणा में दस मान पचास बॉल हैं ये और ये कितनी है तीन तो टोटल बॉल कितनी हुई पचास ये और तीन ये तिरपन इधर आपको तीन दिखाई दे रही हैं ये तीन ही इधर आपको ये पाँच दिखाई दे रही हैं ये पाँच नहीं है ये पाँच गुणा में दस पचास हैं यहाँ पर ये चीज़ क्लियर करनी है अभी ये देखिए अगला रीड द नंबर सन इधर वंस में वन टू थ्री फोर फोर बॉल्स हैं इधर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इधर सिक्स हैं तो इधर फोर हैं ये चार इधर सिक्स हैं लेकिन ये सिक्स नहीं हैं सिक्स इन टू टेन ये सिक्सटी हैं जैसे सिक्स टन प्लस फोर वंस तो so ये चौंसठ बॉल हो गई टोटल कितने हो गई चौंसठ अब इधर वाले देखिए वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर दोनों में चार चार हैं तो ये चार हैं इधर और ये चार लेकिन चार दस हैं चार में दस हैं ये चार नहीं हैं चार में दस का मतलब चालीस फोर्टी तो फोर्टी प्लस फोर चौवालीस हो गई इसी प्रकार ये हैं वंश वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये सिक्स बॉल हैं इधर वाली वन टू थ्री फोर फाइव ये फाइव हैं लेकिन ये फाइव नहीं है फाइव इंटू टेन ये फिफ्टी हैं। है इधर वाली पचास हैं और इधर वाली तो छः ही तो पचास जमा छः छप्पन हो गई है तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि दहाई के नीचे जो अंक होता है वो उस अंक को आप दस से गुणा करके समझना है आप उसकी वैल्यू जो अंक आपको दिखाई दे रहा है उसकी वैल्यू उतनी नहीं होती लेकिन इकाई वाले अंक के नीचे जो अंक लिखा हुआ है उसकी वैल्यू तो उतनी होती है जितनी आपको वो संख्या लिखी हुई दिखाई देती है अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं हाउ मैनी टंस एंड हाउ मैनी वंस आर देयर इन दीज नंबर हाउ मैनी टेन कितनी दहाई एंड हाउ मैनी वंस और कितनी इकाई आर माने हैं देयर इन दीज नंबर इन संख्याओं में कितने दहाई और कितने ये बताने हैं ये हैं जैसे नाइन्टी सिक्स नाइन्टी सिक्स में सिक्स जो है वो इकाई का अंक है और नाइन हो दहाई का तो ये सिक्स है ये तो हो गया वंस सिक्स वंस और ये नाइन है ये हो गया टन्स तो नाइन नो लिख करके क्या लिखोगे टन्स नाइन टाइम्स एंड सिक्स वंस इसी प्रकार सेवेंटी टू सेवेंटी टू में सेवन जो हो दहाई वाला अंक है टेंज वाला तो सेवन टाइन्ज सात लिख के सेवन टाइम्स एंड टू वंस ये इकाई का है अगला ये है सिक्सटी फोर ये इकाई का है और ये दहाई का ये वंश और ये टेंस तो सिक्स टेंस पर सिक्स टेंस एंड फोर वंस ये क्या हो गया ये इकाई ये दहाई तो वन टेन वन टन एंड सेवन वंस तो इस प्रकार आपने ये सारे इनकी टेंज और वंस बताने हैं अब राइट द नंबर एंड इट्स नेम अब यहाँ पर क्या करना है ये अलग अलग दहाई और इकाई लिखे हुए हैं जैसे फाइव टेंस प्लस टू टेंस तो यहाँ पर टू वंस हैं तो ये तो इकाई के नीचे तो जो अंक होगा वो उतना ही होता है जैसे दो इकाई के अंक नीचे तो ये दो हो गया लेकिन पाँच दहाई के नीचे पाँच है तो ये पाँच नहीं होता पाँच में दस पचास होता है तो पचास जमा में दो बावन हो गई, 5 पाँच दो बावन इसी प्रकार एट प्लस सिक्स वंश तो एट नहीं है 80, एट्टी प्लस सिक्स एट्टी सिक्स ये है सेवन टेन्थ प्लस नाइन वंश तो ये सेवन नहीं है ये है सेवनटी सेवनटी प्लस नाइन सेवनटी नाइन और आगे ये अंकों में भी लिख उन्होंने शब्दों में भी लिखने हैं जैसे ये फिफ्टी टू लिखा हुआ है इसी प्रकार ये एट्टी सिक्स सेवेंटी नाइन अंकों में लिखने हैं शब्दों में भी आपने ये इस तरह तो ये कॉलम आपने ऐसे पूरे करने हैं ये नाइन टेन्स प्लस वन वन है तो ये नाइन टेन का मतलब नाइन्टी है यहाँ पर नाइन्टी के नाम का नाइन और वन के नाम का एक नाइन यहाँ पर नाइन्टी वन तो इस प्रकार ये आप पूरी अपनी कॉपी में करोगे तो आज के लिए इतना ही धन्यवाद